very good afternoon to all present here. I, Shweta Shivangi, on behalf of CIMB family, welcome you all to the World Earth Day celebrations. As we all know, World Earth Day is internationally observed on April 22nd every year, and it aims to spread awareness about issues including pollution, deforestation, and global warming. To mark the celebration this year, we have collaborated with two renowned organizations from Bihar who are actively working in the field of environment and climate change, namely the Climato Reformers and the Taru Mitra. I take this opportunity to first of all welcome the representatives from Climato Reformer, our eminent guest and speaker, Mr. Mukesh Kumar Singh. Welcome, sir. Mr. Pranav Jha, and also Father Tony Pendanath, director of Taru Mitra, who could not make it physically but has sent a video message which will be shared later. I also heartily welcome Shri Kumod Kumar, CEO of CIMB BIIF Incubation Center, Professor Rajiv Ranjan, Head of Administration, and Gaurav Sir from PGP Department. Now, before I hand it over to Mr. Mukesh, let me give a brief intro about his organization, Climato Reformers. Climato Reformers is a non-profit startup fighting for climate change and environment around the world. This startup, headquartered in Patna, is founded and run by a group of professionals. This foundation is making a difference in society by relentlessly working towards meeting the vision of building a better tomorrow for generations to come through climate change. To know more about his organization and his views on World Earth Day, I request Mr. Mukesh Kumar Singh to come and address the students. Over to you, sir. Thank you. My name is Shweta Ji. Mananiya Shri Kumar Ji, Shri Rajiv Ji, a dear student. Sabse pehle, हेलो सबसे पहले मैं क्लाइमेटो रिफॉर्मर के बिहाफ में आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है क्लाइमेट डे के अवसर पे हमें अपना पक्ष रखने के लिए। अर्थ डे, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ डे इसका जो गोल है एक अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। आज के दिन में क्लाइमेट को लेकर के हम सब बड़े सेंसिटिव हैं, तो अर्थ डे के थ्रू हम लोग यही जो है कि हम लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि आज के दिन में क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, लोग उससे अवेयर हो सके। आज सबसे पहले क्लाइमेट चेंज एक विश्वव्यापी समस्या है, सारा विश्व इससे कहीं ना कहीं अफेक्टेड है, हमारी कंट्री भी अफेक्टेड है। आज हम देखते हैं कि बड़े ही अबनॉर्मलिटीज होती है क्लाइमेट को लेकर के, कहीं बेमौसम बरसात होने लगती है, कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं किसी कंट्री में वन जल रहे हैं। ये सब कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ये इंडिकेशन है, ये अलार्म है कि हमें अपने क्लाइमेट को लेकर के कंसर्न रहना है, हमें अब अपने क्लाइमेट के बारे में सोचना है, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के हमारी संस्था क्लाइमेटो रिफॉर्मर लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये क्लाइमेटो रिफॉर्मर जो क्लाइमेट कंसर्न है, क्लाइमेट ये एक विश्वव्यापी समस्या है। आज इसको लेकर के
पूरा विश्व कहीं ना कहीं एक परेशान है। राइजिंग टेम्परेचर के कारण पूरी की पूरी जो प्लैनेट के जीव हैं या फिर ह्यूमैनिटी है उनके लिए कंसर्न है कि आगे का समय हमारा कैसा रहेगा, हम अपने भविष्य जो हमारा नया जनरेशन आएगा उसके लिए हम लोग किस तरह का क्लाइमेट देना चाह रहे हैं। इसी डायरेक्शन में हमारी संस्था काम करते हुए हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग इसको कैसे ठीक करें। हमारी संस्था का जो विजन है बिल्डिंग अ बेटर टुमारो फॉर जनरेशन टू कम। अब देखिए आज के दिन में हम लोग बहुत तरह के काम करते हैं, जाने अनजाने में हम लोगों को पता नहीं रहता है कि उससे कितना कार्बन एमिशन हो रहा है और उस डायरेक्शन में हम लोग लगातार काम करते जा रहे हैं। अभी जैसे मान के चलिए कि आप अपने घर जाते हैं, लैपटॉप चार्ज कर रहे होते हैं, आपका फुल चार्ज रहता है लेकिन फिर भी आपका प्लग जुड़ा रहता है। ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अगर वो इलेक्ट्रिसिटी उससे कनेक्टेड है तो पावर की कंजम्पशन हो रही है, कार्बन एमिशन हो रहा है। आप एक रूम से दूसरे रूम में आ रहे हैं, आपका फैन चल रहा है, पावर की कंजम्पशन हो रही है, वो बेवजह चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो हमारी संस्था है, इन्हीं छोटी छोटी बातों को लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करती है कि भाई अब समय आ गया है कि सचेत हो जाइए, क्योंकि ये हर दिन ऐसा रहने वाला नहीं है। जिस हिसाब से कार्बन का एमिशन हो रहा है, जो क्लाइमेट में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पिछले 100 सालों में, वैज्ञानिक क्योंकि सबसे पहले कि हम लोग इसके कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हैं जो एक नोबल कॉज के लिए इस संस्था से जुड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं लिटरेचर से, आर्टिकल से, न्यूज से जो हम लोग को सुनने में आता है, जो हम देखते हैं कि पिछले 100 सालों में अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ रहा है, इस हिसाब से बढ़ रहा है, दशकों से इस हिसाब से हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता जा रहा है आने वाले जनरेशन के लिए। क्योंकि CO2 का जो लेवल है या जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो हमारा लेवल है वो हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से जो गर्मी है, जो वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग, वो हमारे प्लैनेट को अफेक्ट कर रही है। हम अपने संस्था के माध्यम से इसी चीज के बारे में लोगों को सजग करते हैं। अब हम वो सजग कैसे करते हैं? हमारे संस्था के जो लोग हैं वो गांव में जाकर के, पंचायत स्तर पे, चौपाल पे, या फिर सोसाइटी में जाकर के, या फिर बड़े बड़े जो बिल्डिंग पे कहीं पे भी लोग जो इकट्ठा होते हैं वहां पे, स्कूलों में जा करके इस चीज के बारे में बताते हैं, इसके कंसर्न को के बारे में बताते हैं लोगों को कि क्या दिक्कत होगी अगर हम अनियंत्रित तरीके से जिस वे में भी हम काम करते आ रहे हैं अगर करते रहेंगे तो क्या होगा। हम लोगों ने 4 फोकस एरिया चुना है हमारी क्लाइमेटो रिफॉर्मर ने कि बेसिकली हम लोग उन एरियाज के ऊपर में लोगों को सजग करें, जिसमें है कि एनर्जी पहला, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज के दिन में हमारे यहाँ कोयला लिमिटेड है, या फिर जिससे भी हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब लिमिटेड है, और कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन में और उसके यूसेज में कार्बन की इमिशन बहुत ज्यादा हो रही है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है। तो हम लोग छोटे छोटे चीजों को लोगों को बताते हैं जो उनके लिए बड़ा आसान है, वो आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे हम उनको कहते हैं कि भाई अगर आपका AC है, अगर आपको 24 डिग्री के ऊपर चलाएंगे या उतना चलाएंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा वो कम होगा रिलेटिवली जो पहले आप चला रहे थे, या फिर स्टैंड बाय मोड में किसी भी अपने ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको यूज ना करें। और एनर्जी इफिशियंट प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए ताकि आप एनर्जी को सेव कीजिए। दूसरा हम लोग बताते हैं फूड के ऊपर। फूड
ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम और आप बहुत कोई लोग जैसे अगर कोई खाना हमें पसंद नहीं आता है दो चार निवाला लेते हैं फिर उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। इसके पहले हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि वो जो खाना जो किचन से तैयार होकर के आपके प्लेट में आया है उसके पीछे का प्रोसेस कितना बड़ा है। जब वो किसान अपने खेत में अनाज लगा रहा था उस अनाज को कटाई के बाद ट्रांसपोर्ट के थ्रू जब वो मंडी में आया, मंडी के बाद जब वो अनाज एक रिटेलर के शॉप में आया और फिर रिटेलर के यहाँ से जब आप उसको अपने यहाँ लेकर के आते हैं फिर वो किचन में बनता है, सब जगह कहीं ना कहीं एक किसान जब वो अनाज उपजा रहा होता है पानी डालने के लिए वो कहीं ना कहीं ईंधन का यूज कर रहा है, फिर वो जब ट्रांसपोर्ट होकर के मंडी में आता है तो वहाँ भी ईंधन यूज हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट आप कर रहे हैं, वहाँ से जब आपके किचन में आता है आप गैस के थ्रू खाना बना रहे हैं या जैसे भी बना रहे हैं वहाँ भी ईंधन यूज हो रहा है, फाइनली आपको वो निवाला पसंद नहीं है आप उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में फेंकने के बाद भी यहाँ तक तो कार्बन का एमिशन जो होना था हुआ, उसके बाद जब वो खाना सड़ता है उसे मीथेन गैस निकलता है जो कहीं ना कहीं CO2 से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो जो हम लोग अपना आसान शब्दों में या आसान भाषा में जो आसानी से लोग अडॉप्ट कर सके जो मेथोडोलॉजी हम बताते हैं उनको कि भैया आप खाना उतना ही पकाओ जितना खाना है, आप खाना उतना ही प्लेट में लीजिए जितना आप यूज कर सके। जनरली आप सब देखते होंगे शादी ब्याह में होता है ऐसा कि 30% जो भी खाना बनाया जाता है वो फेंक दिया जाता है या लोग बेवजह खाना लेते हैं उसको बर्बाद कर देते हैं। तो हमें अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा, हमें लोगों को भी बताना पड़ेगा कि भैया देखिए वैसे की तो जो बर्बादी हो रही है लेकिन उस खाने को किचन से लेकर के प्लेट तक लाने में जो ईंधन की बर्बादी हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। उसके बाद हम लोग वाटर के बारे में बताते हैं लोगों को कि आप सब हम लोग जानते हैं कि वाटर को लेकर के आज कितना कंसर्न है, जल ही जीवन है सब जगह हम सुनते हैं देखने को भी आता है, बहुत प्रयास हो रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से भी सब कुछ हो रहा है और लेकिन हमारा जो अननेसेसरी का जो यूसेज है पानी को वेस्ट करने का, यहाँ वहाँ कुछ लिया थोड़ा या किसी भी चीज़ में हम वेस्ट कर रहे हैं, तो हम कहीं कहीं ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो वाटर है वो भी लिमिटेड है और उसका जल स्तर कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है। तो आज जो यूटिलाइजेशन हो रही है क्या आज से 25 साल बाद या 50 साल बाद भी उसी लेवल का रहेगा? आप हम सब पटना में रहते हैं हम जानते हैं कि आज कितने फीट के नीचे में हमारा पानी है, क्या 20 साल बाद सेम लेवल पे अगर हम उसी तरह से यूज करते रहें तो जो लेवल है वही रहेगा या उसके नीचे जाएगा? तो इन सब चीजों को हमें समझना पड़ेगा, ये छोटी छोटी बातें हो रही है लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हम अब जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है अगर हम नॉर्मल यूरिनल एक्टिविटी ये एक्टिविटी में जाते हैं कोई भी एक फ्लश रहता है वो 6 से 10 लीटर का रहता है, 5-6 बार की एक्टिविटी होती है उसके लिए हम लोग 50 से 60 लीटर उसमें हम लोग वेस्ट कर देते हैं। क्या ये हम सोच सकते हैं कि वहाँ पे 1 लीटर के मग से भी वो क्लीन हो सकता है या फिर जब हम नॉर्मल नहाने के लिए जाते हैं तो एक शार लेते हैं, कभी यूज करके देखिएगा कि अगर 2 मिनट तक अगर आप शार चलाते हैं तो कितना पानी आता है और अगर आप एक बकेट में 20 से 30 लीटर वाले बकेट में पानी डाल करके नहाते हैं तो कितना पानी निकलता है। डेफिनेटली जो बकेट वाला पानी है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जो शार के थ्रू आपके पास पानी का फ्लो हो रहा है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अब आप हर किसी के घर में आज के दिन में RO है, हम RO के लिए लगाएं एक उधर से गंदा पानी निकलने के लिए रहता है वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं जा रहा है नाले में, तो क्या वो जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको हम कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कहीं स्टोर करके कहीं रख करके मोपिंग वगैरह काम हो सकता है? क्योंकि अगर हम वापस मोपिंग के लिए भी अगर फ्रेश वाटर करेंगे तो वो तो वेस्ट है। तो हर वो चीज जो छोटी छोटी है जो कहीं ना कहीं हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इसी के बारे में हमें सोचना है, हमें जानना है और हमारी संस्था इसी को लेकर के प्रमोट करती है लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन। और दूसरा है कि हम लोग आज के दिन हालांकि आज ये
अभी उस हिसाब से मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है और कॉस्ट भी काफ़ी है, लेकिन हाँ धीरे धीरे समय आने पर उस हिसाब से होगा। हम लोग ग्रीन एनर्जी को लेकर के लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई अब वैसे प्रोडक्ट को आप अडॉप्ट कीजिए जहाँ पे एनर्जी का यूसेज जो है वो कम है। साथ में पेड़ को लेकर के प्लांटेशन को लेकर के हमारा फोकस रहता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग भी बेसिक पढ़े हुए हैं कि भाई पेड़ है तो उससे बहुत तरह की हमारी बेनिफिट रहती है। तो इसके पहले भी हम लोग देखते थे कि भाई ये गवर्नमेंट की साइड से भी सब जगह ये प्रमोट होता है कि जब बर्थडे हो तो एक पेड़ लगाएं। तो उसी तरह से है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे खुशी के भी पल आते हैं ना। आपका कोई एकेडमिक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, पेड़ लगाइए। आपके घर में कुछ और खुशी की बात हो रही है, पेड़ लगाइए। तो ये सारी जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट करेगी। और आप सबसे भी अनुरोध है कि इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए। हम लोग डायरेक्टली तो जो लोगों के पास जा रहे हैं जा ही रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे छोटे छोटे बहुत जगह के बच्चे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और अवेयरनेस कैंपेन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई पानी का वेस्ट ना करें, पेड़ लगाएं। तो वो हम लोग इस माध्यम से भी लोगों से जुड़ रहे हैं। आज के दिन में 50,000 प्लस हमारे फेसबुक फॉलोअर्स हैं। इसके आगे है कि एज ए क्लाइमेट और रिफॉर्मर हमारी जो संस्था है, हमारा विजन है कि भाई अगले एक दशक में हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 50 मिलियन हम लोग क्लाइमेट और रिफॉर्मर बनाएंगे। क्लाइमेट और रिफॉर्मर मैंने वही कहा कि ये कौन बंदे हैं भाई, ये वो बंदे हैं जो क्लाइमेट के बारे में सजग हैं, क्लाइमेट के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये एक और हमारा आगे का जो विजन ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई 10 मिलियन हम लोग क्लाइमेट ऑफ होम्स बनाएंगे, 5 मिलियन क्लाइमेट ऑफ वर्क प्लेस बनाएंगे। तो ये बनाएंगे कैसे, जैसा मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि भाई हम एनर्जी के ऊपर में, फूड के ऊपर में, वाटर के ऊपर में या फिर ग्रीन एनर्जी के ऊपर में लोगों को इम्फसाइज कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं इन चीज़ों को, इन प्रयोगों को आप यूज किया कीजिए। तो क्लाइमेटो होम हम किसे कहेंगे, जैसा अभी मैंने बताया कि भाई क्लाइमेट और रिफॉर्म क्या हुआ, कहीं ना कहीं क्लाइमेट के क्लाइमेट चेंज के कारण जो अफेक्ट हो रहा है उसके डायरेक्शन में अगर वो काम कर रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं क्लाइमेट रिफॉर्म। तो क्लाइमेट ऑफ होम हम उसको कहेंगे कि जो मैंने चार चीज़ें शुरू में बताई कि भाई एनर्जी, वाटर, फूड या फिर ग्रीन एनर्जी, इसमें से अगर वो कोई भी अडॉप्ट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्लाइमेट ऑफ होम। फूड वेस्ट नहीं कर रहा है, एनर्जी बचा रहा है, ग्रीन एनर्जी को यूज़ कर रहा है, वाटर वेस्ट नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर कोई भी वर्क प्लेस इन चार में से कोई भी तीन को फॉलो कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो हमारा क्लाइमेट ऑफ वर्क प्लेस है। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हम सब भी यूज कर सकते हैं, अपने घर में भी यूज कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि कंसर्न बहुत बड़ा है। कंसर्न बहुत बड़ा है क्योंकि ये वैश्विक कंसर्न है, पूरा प्लैनेट का कंसर्न है, पूरे जो क्रिएचर हैं उनके एग्जिस्टेंस का कंसर्न है। ये किसी एक कोई एक कंट्री कहे या फिर कोई एक गवर्नमेंट कहे कि हम इसके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये हम सब का काम है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसके डायरेक्शन में काम करें, हम अपने प्लैनेट को सेव करें, हम कुछ ऐसा करें जो जस्टिफाइड हो, कुछ जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो रही है, तभी तो हम अपने आने वाले फ्यूचर को एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Mukesh sir, for your words of wisdom.
for talking about the sustainable practices that each one of us can simply adopt in our daily lives to conserve our planet. So whatever minute measures that he told you, he sensitized you about, hopefully you will adopt in your everyday practice. Now we will see a video message shared by Father Tony, director of Taru Mitra. But before that, let me brief you about the organization Taru Mitra. Taru Mitra, meaning Friends of Trees, is a student movement to protect and promote a healthy environment on Earth. It was the effort of Father Robert from St. Xavier's School, Patna, and students from few schools that the movement came into existence in 1988. Taru Mitra received the UN Special Consultative Status on the Economic and Social Council, ECOSOC, in 2005. Enabling them to participate in events like the UN High Level Political Forum on Sustainable Development. Taru Mitra has a strong belief that students are not only the future but the present as well. When students become aware of eco-friendly and green ideas from their childhood, the possibility is greater that they would refrain from activities which are harmful to the environment. Now, let's see the video message. Good evening to all of you. I am very glad to introduce a small plot of land in the Taru Mitra Patna to you. And on the occasion of the eve of the World Earth Day, the theme is Invest in Our Planet. So here you can see a small investment made from last year onwards. You can see that this papita, papaya, here, and you can see how rich and this one. A few of them you had already plucked this one, and how a tree less than 1 year old, it can produce real fruit. And also here you can see the avocado tree. The avocado trees are very good food they produce. With a small investment we can make. And here you can see another avocado tree. This is about 2 years old only. And another papaya tree over here. See, this is a slightly different variety. And here you can see, this is our lemongrass. And this is an excellent ingredient when you make tea preparation, and very good for health and other purposes and so on. And if you move forward, you will see that these are the elephant ears, and you can see a tiny papaya tree. And this tree, people hard time to believe, it's just 2 years and a few months only. And granted that, because of the land is very rich in nutrients, just grown very, very fast, and nicely is coming. And also, we have this small plot here. We have the Ulat Kambal, they call it. This is a very, very nice tree coming up. The old one is here, the fruits are already ready. This one. Fruits are ready. So, this is where it is. If we invest in our planet Earth, and it always will support us. And the investment what we make in our planet should be sustainable, and it can promote health. This drumstick tree, you can see it's already, the fruits are ready. After the winter, the leaves are coming up. And this another very, very healthy tree. Practically all parts of this tree can be used one form of other. The drumstick tree. So thank you all of you very much. Okay.
श्वेता शिवांगी वंस अगेन थैंक यू मुकेश सर फॉर योर प्रेजेंस एंड फॉर द मैसेज ऑन वर्ल्ड अर्थ डे एंड ऑल्सो वी थैंक फादर टोनी फॉर हिज मैसेज ऑन द वर्ल्ड अर्थ डे. Now I would request Professor Ranjit Tiwari, PGP coordinator, to facilitate Mr. Mukesh. एकदम अरे बैठे बैठे तेरा बैठो फोटो मिलेगा सबको मिल जाएगा. विजय को फोन करना
घूमना है, इसको देखो आगे मिट्टी ये निकल गई है, ये गिरा देना चल, फोटो लेते रहो, पानी नहीं देते ना, हो जाएगा, कुदाली ले, कुदाली दे, कुदाली क्यों नहीं, खुरपी दे, खुरपी से मिट्टी गिराए, सिर्फ एक बार इधर देखिए, चारों तरफ से ना, चारों अंगों में ले सिस्टम फोटो लो ना जी, हाँ तो बीस बीस आदमी बीस घंटे लगाता है, हो गया चलिए चलिए, तुमने एक एक जगह आ जाओ सर, सर आप यहीं रहिए ना, पानी पकड़ लो, हाँ चलो आ जाओ, आगे 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 हम बच्चा लोग ले लो, हाँ बच्चा लोग बोलो, हाँ वही हाथ लगा दो ना, ऐसे हाथ लगा दो, दाहिना हाथ बायां हाथ पीछे लगाओ, स्वेटर तो मैं बना लेना, अब नहीं आएगा, चल बारी हो गया, चल जी हमारे पे फोटो फोटो नहीं जी लगवा दो, आगे लगवा दो, चल अब ये लगवा दो, ठीक है चल, अब नहीं चलो जाओ।